हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड कर दिया था और आज हमारा परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। तो क्लास में अगर कोई नया हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले जो हम लोग पार्ट पढ़ा के रखा है परसेंटेज का, और परसेंटेज से पहले भी हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर खत्म हो गया, तो उनको पहले आप लोग देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर परसेंटेज देखोगे तो बहुत कुछ एक्चुअली एक के साथ एक लिंक होता है मैथमेटिक्स में, तो हो सकते हैं आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है? तो चलो देखो, परसेंटेज हम लोग कहाँ तक खत्म किया था। लास्ट क्लास में हम लोग खत्म किया था कि हम लोगों का जो रूल्स है, कौन सा रूल्स था, वही अगर क्या ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी, देन बी इज लेस देन ए, वो कितने परसेंट छोटा है कितना परसेंट बड़ा है, यहीं तक आप लोग रूल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा क्लास कहां से स्टार्ट होने वाला है, हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, हम लोग बोल दिया था कि जो इनकम बेस है, इनकम एक्सपेंडिचर की प्राइस को किसी का चीज में ज्यादा हो गया, कमोडिटी में, कमोडिटी का किसी प्राइस में ज्यादा बढ़ गया तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए, चाहे मेरा एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसके बाद हम लोगों को सारे जो रूल्स है परसेंटेज का सारे कुछ आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? तो देखो फर्स्ट रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल्स क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को जानते हैं जो हम लोग इनकम करते हैं, मायने में जो हम लोग पैसा कमाते हैं, ये पैसे हम लोगों का किस में खर्च होता है, ये पैसा कैसे खर्च होता है, कैसे सेविंग्स रहते हैं, तो इनके साथ इनकम का क्या रिलेशन है, सबसे पहले जान लेते हैं। देखो ये है आप जो इनकम, आप जो कुछ भी इनकम कर रहे हो, आप जो कुछ भी महीने में इनकम कर रहे हो, इनकम मतलब क्या है, आपका आय, आप जो कुछ कमा रहे हो, ये क्या होता है, ये दो तरीका से, ये क्या होता है ना, ये दो तरीका से एक इंसान खर्च करता है। कैसे? एक तो एक्सपेंडिचर जो उसने खर्च कर रहा है, और एक है सेविंग्स जो उनका क्या है, फ्यूचर्स के लिए, या तो वो जो कुछ भी उनके सेविंग से भी, इनकम से भी, जो कुछ भी क्या कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, नहीं तो बैंक में, नहीं तो कहीं पर सेविंग्स करके रख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा इनकम क्या है, ये हमारा इनकम दो प्लेस में यूज होता है। कहां कहां होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, प्लस सेविंग्स। समझ लो कि हम जो कमाते हैं, हम जो इनकम करते हैं, ये इनकम हमारा एक्सपेंडिचर, सपोज मान के चलो महीने में मैंने 10,000 रुपया कमा रहा हूं, तो ये 10,000 रुपया महीने में मैंने 10,000 रुपया कमा रहा हूं, तो ये 10,000 रुपया में हो सकते हैं कि मेरा एक्सपेंडिचर, मेरे घर में, मेरे घर में जो खर्च होता है, मेरे रहने के लिए, खाने के लिए, ये ड्रेस पहनने के लिए, ये स्टूडियो चलाने के लिए, सब कुछ खर्च होता है सपोज मान के चलो 8,000, और ये जो 2,000 बच रहा है, क्योंकि 10,000 मेरा क्या है, इनकम है, 8,000 मेरा खर्चा हो रहा है, तो 2,000 जो बचे है, ये 2,000 क्या कर रहा हूं, ये 2,000 मैंने सेविंग्स कर रहा हूं, ये 2,000 मैंने सेविंग्स कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब है मैं महीने में जितना कमा रही हूं वो किसमें खर्च हो रहा है, एक तो हो रहा है 8,000 एक्सपेंडिचर, मैंने जो कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, जो कुछ भी मैंने खर्च कर रहा हूं, जो कुछ भी मैंने खर्च कर रहा हूं, मेरे एक महीने में रहने, खाने पीने, ये ड्रेस, स्टूडियो, कुछ भी, मतलब मेरे लिए जो जो कुछ भी खर्च होता है, ये सारे किसमें जाते हैं, ये सारे जाएगा एक्सपेंडिचर में, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 8,000, और मेरे पास जो 2,000 बच रहा है ये क्या है, सेविंग्स। तो हमारा एक बस समझ में आ गया, जो इनकम है, इनकम इक्वल टू है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक बात समझ जाओ, अगर आपका इनकम कांस्टेंट है, अगर आपका इंस्टेंट इनकम क्या है ना, इनकम अगर कांस्टेंट है, इनकम अगर आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है, तो आपको अगर बोला, आपको मैंने अगर बोला कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, अगर आपका एक्सपेंडिचर, आपका महीने में खर्चा ज्यादा हो गया, तो आपका सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स क्या होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर इससे आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, 8,000 की जगह पे आपका 9,000 खर्च हो रहा है, तो आपका सेविंग्स क्या होगा, 2,000 की जगह पे आपका 1,000 होगा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और सेविंग्स क्या है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो सेविंग्स कम होगा, अगर सेविंग्स ज्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर मुझे कम करना है, जब मेरा इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है, जब मेरा इनकम का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तब मेरा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स क्या है, दोनों एक के साथ ऐसे रिलेशन है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है, समझ गया? तो देखो ये जब कॉन्स्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा,
अब बात होते कभी कभी बोल देते कि हमारा महीने में इनकम क्या हो गया, किसी कंपनी में किसी पर्सन का इनकम क्या हो गया, इनकम बढ़ गया, इनकम क्या हो गया, इनकम बढ़ गया। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये हो सकता है कि उसका एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बढ़ा, सेविंग्स भी थोड़ा बढ़ा, हो सकता है। नहीं तो ये बोल सकता है कि उसका सेविंग्स क्या है, सेविंग्स उसका कांस्टेंट है। तो अगर सेविंग्स कांस्टेंट है और उसका इनकम बढ़ रहा है, मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्सपेंडिचर मुझे बढ़ रहा है क्योंकि मेरा इनकम तो बढ़ रहा है और मेरा सेविंग्स पहले भी जितना कर रहा था अभी भी उतना ही सेविंग्स है मेरा। तो सेविंग्स अगर मेरा कांस्टेंट है तो इसका मतलब है मेरा महीने में जो एक्सपेंडिचर होता है ये एक्सपेंडिचर मुझे बढ़ गया। समझ में आया। अब बात आते हैं कि इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स आपका क्या होगा बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप महीने के में पहले 10,000 रुपया कमा रहे थे तब आपको 9,000 रुपया एक्सपेंडिचर हो रहे थे। अब सपोज मान लो कि ये 12,000 रुपया कमा रहे हो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर 9,000 हो रहे, तो मतलब क्या है, सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स आपका 3,000 होगा, सेविंग सबका बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक बात तो समझ लो कि परसेंटेज में या कहीं पर भी हम लोग जब भी किसी इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्वेश्चन करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला यूज करना और इसी फॉर्मूला को सोच के आप लोगों किसी भी आंसर को विद इन अ सेकेंड आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि उस कंडीशन में ये दे देगा कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट सेविंग कमाना है, या तो इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो सेविंग्स को क्या कॉन्स्टेंट रखना है या बढ़ना है या घटना है, ये सारे कुछ हम लोगों को इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ। अब बात आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आप एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। अब देखो हम लोग किसी भी चीज में अगर खर्चा कर रहे हैं तो सीधी बात है सपोज मान के चलो एक्सपेंडिचर जो कुछ भी होता है ये हमारा पूरे महीने का खर्च होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला। अब बात है इसमें हम लोगों का क्या है, इसमें हम लोगों का घर का जो कुछ राशन है, घर का खाने पीने, चावल दाल आटे, ये सब कुछ जो कुछ सब्जी जो भी कुछ लगते हैं, इनके लिए हम लोगों को पैसा चाहिए। तो मैंने माना कि मेरा सिंगल एक महीने में खाने पीने के लिए जो खर्चा होता है ये कितना है, ये है 3,000, ये है 3,000 मेरा एक महीने में खाने पीने का खर्चा है। आप सुनो, ये 3,000 मेरा एक्सपेंडिचर का खर्चा है। आप मैंने सपोज मान लो कि मैंने डेली 100 रुपीज का खाना खाते हैं, मैंने डेली 100 रुपीज का खाना खाता है, तभी तो 30 डेज में जाकर मेरा 3,000 होगा खाने पीने का। समझ जाओ। अब मैंने यह 100 क्या है, यह 100 मेरा पर डे खर्चा है खाने पीने का। ठीक है, अब बात है कि जैसे आपको मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इनके रिजल्ट क्या आया, इनका इफेक्ट क्या आया, ये जो मार्केट का 100 का खाना है ना, 100 का खाना क्या हो गया, ये 100 में अभी नहीं मिला है, यह अभी हो गया 150। ठीक है, सपोज मान के चलो ये अभी हो गया 150। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, अगर मुझे महीने में 3,000 ही खर्चा करना है, तो मुझे अगर एक दिन में 150 रुपया खाना लग रहा है तो मुझे कितने दिन खाना मिलेगा, मुझे 20 डेज खाना मिलेगा, तो समझ जाओ कि एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट है, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, ये क्या है, ये तो प्राइस ही है ना, खाने का पैसा का ही तो रुपीज है ना, प्राइस है ना, कितने रुपया में खाने आते हैं, ये 150 रुपया अभी पार्ट डे हो गया खाने का खर्चा। तो अगर 150 रुपये इसका प्राइस हो गया, प्राइस अगर इसका बढ़ गया तो मुझे क्या है, कंजम्पशन, मैंने क्या है, पहले 30 डेज का कंजम्पशन हो रहा था, अभी कितने दिन का कंजम्पशन है, ये है 20 डेज का। तो ये जो कंजम्पशन है क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ जाओ कि जब एक्सपेंडिचर इक्वल टू है प्राइस इनटू क्या है, कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन। समझ जाओ, जब आपका खर्चा हो रहा है तो खर्चा किसमें हो रहा है, कितना प्राइस है और कितना कंजम्पशन है। एक एग्जांपल सपोज मान लो हम लोग सब घर में क्या है, शुगर लेते हैं, चीनी, ठीक है, शुगर, ये क्या है ना, घर में हम लोग सब शुगर लेकर आते हैं। अब बात है हम लोग क्या है, पहले 40 रुपीज, पहले मान के चलो पहले हम लोग शुगर लाते थे 30 रुपीज में,
तो 300 रुपया में, 300 रुपया में, 300 रुपया में कितने किलो मिलते थे, कितने किलो? जब 30 रुपीज, 30 रुपीज पर केजी आपका शुगर का है, तो आपको पहले मिलते थे 10, पहले मिलते थे आपको 10 केजी, 10 केजी मिलते थे, क्योंकि यार क्या है ना, 30 रुपीज पर केजी पहले मेरा शुगर का प्राइस था, तो मुझे 10 केजी मिलता था। अब क्या है, अब मेरा जो शुगर है, मेरा जो शुगर है ये कितना हो गया, ये हो गया सपोज 50, 50 रुपीज पर केजी हो गया। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ अब कितना मिलेगा मुझे, क्योंकि एक्सपेंडिचर मुझे 300 ही खर्च करना है, मुझे 300 ही खर्च करना है एक महीने में चीनी का। तो मुझे बताओ ये जब 50 रुपीज पर केजी हो गया, तो मुझे कितना केजी चीनी मिलेगा, मुझे मिलेगा 6 केजी, मुझे मिलेगा 6 केजी। तो एक बात समझ जाओ कि देखो, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आपका अगर प्राइस बढ़ रहे तो आपको कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन आपको घटेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन क्या है, डायरेक्ट दोनों का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, समझ गया, समझ गया ना। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी देखो, अभी क्या है, अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ा है, अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ा है, अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कैसे करना है एग्जाम में, ये हम लोग सीख लेते हैं। सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो कि मैंने बोला किसी भी चीज का, किसी भी चीज का प्राइस x% बढ़ गया या तो घट गया, बढ़ गया या तो घट गया। अगर किसी चीज का x% चीज बढ़ रहा है तो कंजम्पशन x% कम करना है, तो मुझे क्या है, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन मुझे कम करना है। अगर बढ़ रहा है तो कम करना है, अगर कम हो रहा है तो मुझे कंजम्पशन क्या है, बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट है। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली समझ जाओ, फॉर्मूला है एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100%। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100%। जब आपका प्राइस x% बढ़ रहा है तो उनके लिए प्लस साइन यूज करो, जब आपका x% कम हो रहा है तो उनके लिए x कम करो। तो आपको कितना कंजम्पशन में बढ़ाना है या घटाना है आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ गया ना, क्योंकि जब प्राइस x% बढ़ेगा तो कितना घटाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर प्लस करके देख लेना, वो घटाना है। जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो इसको माइनस कर देना, कितना बढ़ जाएगा, कंजम्पशन कितना बढ़ाना है, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखो और इसी फॉर्मूला के ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हमारे क्लास में स्पेशलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी हम लोग दे देंगे आप लोगों को, जो भी अच्छा लगेगा आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, इफ द प्राइस ऑफ अ कुकिंग गैस, हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हैं के टाइम हम लोगों को गैस का जरूरत होता है। अगर गैस का क्वेश्चन है तो गैस का क्या बोला, जो कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस का क्या है, 15% राइज हो गया प्राइस में। जो कुकिंग गैस है, खाना बनाने का जो गैस है, ये कुकिंग गैस का क्या हो गया, कुकिंग गैस का जो प्राइस है, जो प्राइस है ये क्या हो गया, ये 15% क्या हो गया, 15% बढ़ गया। तो कुकिंग गैस अगर 15% बढ़ रहा है तो मुझे कंजम्पशन क्या करना है, मुझे कंजम्पशन क्या करना है, कंजम्पशन को कम करना है। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट पर्सन शुड अ फैमिली रिड्यूस इज कंजम्पशन सो एज नॉट टू एक्सीड द बजट ऑफ कुकिंग गैस। बोल दिया कि एक बंदे, देखो कुकिंग गैस का प्राइस 15% बढ़ गया, तो आप क्या है, पहले मैंने जितना गैस यूज करते थे आप क्या करना है, आप मुझे घटाना है, आप मुझे क्या करना है, आप मुझे कम गैस यूज करना है। अगर मैं पहले जैसा सेम गैस यूज कर लेता तो मेरा बजट क्या होगा, बजट बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला ये है कि आपको बजट को कांस्टेंट रखना है, पहले जितना बजट करते थे खर्च करते थे अब भी उतना ही खर्च करना है। तो अगर आपका प्राइस 15% बढ़ गया तो आपको कंजम्पशन में कितना परसेंट कमाना है, कितना परसेंट घटाना है, चाहे आपका बजट क्या है सेम रह जाए, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको देखो, मैंने आपको बोला फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, पर्सन बढ़ रहा है तो उनके लिए फॉर्मूला था एक्स अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। तो ये इक्वल टू बैठा 15 अपॉन 100 15 इंटू 100%। तो ये क्या है, ये कंजम्पशन आपको क्या है, ये कंजम्पशन आपको घटाना है, ये कंजम्पशन आपको क्या करना है, इसी कंजम्पशन को आपको घटाना है।
अब देखो समझ जाओ कि ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो 15% का मतलब क्या है, 15% का मतलब है 15 अपॉन 100। तो मैंने मान लिया कि मेरा जो पहले पैसा था एक केजी गैस का पहले था 100 रुपया, पहले था 100 रुपया। आप क्या हो गया ना, आप 15 रुपीज क्या हो गया, 100 के ऊपर 15 क्या होगा, बढ़ गया, ज्यादा हो गया। तो अभी कितना हो गया, अभी हो गया 115। ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइस। देखो जब प्राइस है ये 100 रुपया था पहले, अब हो गया क्या 115। पहले मुझे, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपया में मुझे पहले कितना मिलते थे, 115। अभी 115 में क्या मिलेगा, 100। क्योंकि देखो मैंने बोला था कि ये अगर बढ़ रहा है तो इसको घटना है, इसको घटाना है, जितना परसेंट बढ़ा रहे उतना घटाना है, ठीक है। सिंपली समझ जाओ कि जब देखो 100 में 115 हो गया, अगर इसका 15 बढ़ गया रुपीस, 100 था 115 हो गया, तो मैंने मान लेता हूँ कि पहले मुझे 115 मिलते थे 100 रुपये में, अभी क्या मिलेगा, अभी 115 में मुझे 100 मिलेगा, अभी 115 में मुझे 100 मिलेगा। सिंपली आप देखो मुझे बताओ ये कितना कम हो गया, ये क्या है, ये है कंजम्पशन, ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना कम हो गया, पहले से कितना कम हो गया, पहले से 15 कम हो गया, पहले से 15 कम हो गया मेरा कंजम्पशन में। ये पंद्रह किसके ऊपर कम हो गया, मैंने लास्ट क्लास में ये बोल दिया था कि जब भी भर रहा है, जब भी घट रहा है, परसेंटेज के तरफ जब काम कर रहे हो तो आपको ये करना है, जो प्रीवियस है, इनिशियल जो है, इनिशियल वैल्यू को लेकर काम करना है, इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही किसी भी चीज बढ़ रहा है या किसी भी चीज घट रहा है। मैंने जब क्वेश्चन कराया था सैलरी इंक्रीमेंट का, तब मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि सैलरी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है या तो सैलरी अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इनके ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है क्या है, पहले क्या आपका प्रीवियस सैलरी था, प्रीवियस सैलरी के ऊपर आपका पैसा बढ़ सकता है या तो प्रीवियस सैलरी के ऊपर आपका पैसा कम हो सकता है। तो ये सीधी बात है, 15 रुपीज आपको क्या है, कंजम्पशन आपको 15 घटाना है। किसके ऊपर घटाना है, प्रीवियस जो है 115 के ऊपर घटाना है, कितना परसेंट घटाना है, सिर्फ ये हो गया सिंपल आपका आंसर। समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या कहने जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अगर मैंने आपको बोल देता कि ये 15% कम हो गया, तो एक बात समझ जाओ, 15% अगर कम हो गया तो मुझे कंजम्पशन ज्यादा मिलेगा। ये 15% कम हो गया तो मतलब क्या है, पहले 100 रुपीज था, अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 85। तो मुझे पहले 100 रुपया में कितना मिलते थे, 100 रुपया में मुझे मान लेता हूँ 85, अभी 85 में मिलेगा 100। सिंपली है, मुझे कितना कंजम्पशन बढ़ाना है, 15, किसके ऊपर बढ़ाना है, 85 के ऊपर बढ़ाना है, इनटू 100। तो उस टाइम कंडीशन हो जाता है ये कंजम्पशन आपको अभी यूज करना है, ठीक है। समझ गया ना, देखो क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना, तो प्लीज अगर वीडियो को लाइक करो, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन, तब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको रेंडमली ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोगों को बहुत टाइम देखने मिलता है, कोई भी सेल्स में, कोई भी बिजनेस में ये होता है कि किसी भी चीज को मैंने पहले X% बढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर Y% डिस्काउंट दे दिया, या तो किसी को मैंने पहले X% बढ़ाया फिर उसके बाद Y% बढ़ाया, तो टोटल नेट प्रॉफिट क्या हुआ, फिर मैंने किसी भी चीज को पहले X% घटाया फिर Y% घटा दिया, तो फिर मेरा नेट जो लॉस होगा ये कितना होगा। नहीं तो ये भी होता है, पहले X% बढ़ाया उसके बाद X% घटाया, नहीं तो पहले X% घटाया उसके बाद Y% बढ़ाया। मतलब समझ जाओ कि किसी चीज को अगर रैंडमली मैंने दो टाइम चेंज कर रहा हूं, X% बढ़ा रहा हूं फिर उसको Y% बढ़ा रहा हूं, या तो X% उसको घटा रहा हूं फिर Y% क्या कर रहा हूं, Y% उसको बढ़ा रहा हूं, नहीं तो फिर X% बढ़ा रहा हूं Y% घटा रहा हूं, नहीं तो क्या X% घटा रहा हूं Y% घटा रहा हूं। तो ये कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट, जब हम लोगों को दो बार कोई भी चीज क्या है, सक्सेसिव केस है, क्योंकि एक बार किया फिर उसके बाद और एक बार किया, तो इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है +-x + -y+, ये प्लस ही होगा, ठीक है। फिर है +-x + +y, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, अपॉन 100। ये फॉर्मूला देखो,
मैंने बोला पहले एक्सपर्शन बढ़ाया, फिर वाई परसेंट क्या है बढ़ाया, तो मुझे नेट प्रॉफिट क्या है, तो सिंपली इस पे प्लस साइन यूज होगा। प्लस साइन का मतलब है, प्लस साइन का मतलब है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। और माइनस साइन का मतलब है डिक्रीमेंट, माइनस साइन का मतलब है डिक्रीमेंट। ठीक है, जब घट रहा है तब होगा माइनस का साइन यूज होगा, जब किसी चीज के ऊपर रैंडमली सक्सेसिव बढ़ेगा तो होगा प्लस साइन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन आपका है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वेयर डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन ऑन सेल्स। पहले किसी भी चीज, किसी भी आर्टिकल्स का उनको क्या किया, उनको 20% इंक्रीज किया। पहले क्या किया, पहले 20%, पहले 20% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया, पहले 20% इंक्रीज किया। सेकेंड मैंने क्या किया ना, प्राइस वेयर डिक्रीज, सेकेंड मैंने क्या किया, उसके बाद क्या किया ना, प्राइस वेयर डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन ऑन सेल्स। क्योंकि सेल्स का रिडक्शन हो गया, सेल्स कम हो गया, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने 25% सेकेंड टाइम में घटा दिया, सेकेंड टाइम में डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। आप मुझे बताओ मेरा जो नेट प्रॉफिट है या तो मेरा नेट लॉस है, तो मुझे बताओ ये क्या है जो नेट इफेक्ट आने वाला है, जो नेट इफेक्ट आने वाला है ये क्या है, डिक्रीज है या इंक्रीज है टोटल के ऊपर, मुझे बताओ। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कॉन्सेप्ट देखो, आपको फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट से भी अच्छा है इस टाइम अगर आप सक्सेसिव केस में अगर आप फॉर्मूला यूज कर लो तो। ठीक है, देखो क्यों, क्या बोला, 20% मेरा इंक्रीज है, मतलब है +6, तो +20। फिर क्या है, 25% क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीज के लिए क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब क्या है प्लस, इसमें क्या होगा +20 और -25 इंटू 100। ठीक है, समझ गया, सिंपल है, ये परसेंट का साइन होना चाहिए, ये होगा परसेंट का साइन। तो आंसर कितना आ रहा है देख लो, ये आएगा आपका -5 और ये भी आपका आएगा -5, तो टोटल आएगा -10%। तो ये -10% का मतलब क्या है, यह माइनस का मतलब है आपका जो नेट इफेक्ट आया उसमें आपको 10% लॉस हुआ। तो नेट इफेक्ट क्या है, नेट जो इफेक्ट है आपको क्या है, 10% लॉस है। जो नेट इफेक्ट आया 10% लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आया। अभी अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंपली देखो आप मान लो कि पहले आपको जो चीज था उसका प्राइस कितना था, ₹100 था, क्योंकि परसेंट किसके ऊपर काम करता है, 100 के ऊपर काम करता है। तो आपका पहले ₹100 था, उसके बाद क्या होगा, जब 20% बढ़ा दिया तो क्या होगा 120। अब 120 के ऊपर क्या कर रहे हो, 25% कम कर रहे हो, घटा रहे हो, तो क्या होगा 120 × 75/100, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 3, तो ये हो गया आपके पास ₹90। तो ये जब ₹90 आया फाइनली, तो आपको मुझे बताओ ये ₹90 आया तो आपको क्या हुआ, टोटल में क्या हुआ, पहले तो ₹100 था आपका प्राइस, अभी आप लास्ट तक फाइनली क्या देख लो 90 है, तो आपको क्या है 10% लॉस है। जो आपको लगेगा अच्छा वही आप कर लेना, क्योंकि 100 इसलिए मान लो, मैंने इसको 200, 400, 500, 1000, 2000, 10000, 20000 कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन 100 इसलिए मान लो कैलकुलेशन में इजी होगा, क्योंकि जो भी कुछ परसेंटेज करता हूँ मैं परसेंटेज किसके ऊपर करता हूँ, डिनोमिनेटर क्या है 100 है, तो इसके लिए मैंने 100 मान लिया। ठीक है, समझिए, चलो अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा देखते हैं कोई भी सिटी में, कोई भी कंट्री में आज इतना है, फिर मैंने देख रहा हूं कि 2 साल या 3 साल या पर एनम में मुझे इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, या तो डिक्रीमेंट ये हो रहा है, मतलब हर साल मुझे कोई सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है या तो पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स में जो पॉपुलेशन क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लो। सपोज आपको क्वेश्चन दे देगा कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी, आपको सपोज मान लो किसी सिटी में पॉपुलेशन क्या है,
किसी सिटी में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है पी, किसी सिटी में पॉपुलेशन है पी, ठीक है, सपोज एंड एट द रेट ऑफ आर पर्सन पर एनम। उसके बाद क्या है, आर पर्सन पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं तो डिक्रीज हो रहा है। इसी कंडीशन में दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो होता है आफ्टर एन ईयर्स पॉपुलेशन, और नहीं तो ये भी बोल सकते हैं क्वेश्चन कि बिफोर एन ईयर्स पॉपुलेशन। देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आपको पी सिटी का क्या है, पॉपुलेशन है, प्रेजेंट का पॉपुलेशन है, आर पर्सन पर एनम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर एन ईयर्स आपका पॉपुलेशन क्या होगा, या तो आपको बिफोर एन ईयर्स पॉपुलेशन क्या है, जब आपका इंक्रीमेंट का हार सेम है हर साल के लिए, आर पर्सन ही है आपके क्या है, एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, बीस साल के लिए, हर साल के लिए क्या है, इंक्रीमेंट आप सबका क्या है, सेम है, आर पर्सन है, तो उनके लिए फॉर्मूला सिंपली है p into 1 plus minus r by 100 to the power n। जब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ना, जब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तब ये फॉर्मूला फिर से आप लोगों को दिखाई देगा, ये फॉर्मूला फिर से आपको दिखाई देगा, ये पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जब भी कोई इंक्रीमेंट होता है तो वो किस में होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, आर परसेंट, क्योंकि आज अगर पॉपुलेशन है 10,000 तो नेक्स्ट साल जब 12,000 हो गया तो 12,000 के ऊपर होगा ना, 12,000 के ऊपर होगा ना पॉपुलेशन का फिट इंक्रीमेंट, क्योंकि पहले 10,000 ही तो पॉपुलेशन करेगा और लास्ट में जो 2,000 आया ये पॉपुलेशन नहीं करेगा, ये ऐसा तो बात नहीं है ना, जो 2,000 आया ये तो फिर हो सकते हैं ना, ये 2,000 फिर पॉपुलेशन कराएगा, फिर उसके बाद तो ऐसे तो इंक्रीमेंट होने जा रहा है ना, तब किसी चीज के ऊपर फिर से नया ऐड हो रहा है, फिर उसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट किसमें है, ये सारे कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मैंने जब इसके बाद आप लोगों को इंटरेस्ट स्टार्ट करूंगा तब आप लोगों को और भी समझ में आएगा, तो आप ही जान के रखो जो फॉर्मूला क्या होगा आफ्टर एन ईयर्स के लिए, ये होगा, अगर आपको पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस होगा, अगर घट रहा है तो माइनस होगा। और आप बिफोर एन ईयर्स क्या होगा, बिफोर एन ईयर्स का पॉपुलेशन का फॉर्मूला होगा वन प्लस आर बाय 100 टू दी पावर ए, वन प्लस आर बाय 100 टू दी पावर ए, ये होगा आपका बिफोर एन ईयर्स के लिए। ये फॉर्मूला रख दो क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसके लिए हम लोग आज सिर्फ फॉर्मूला कर लेंगे, फिर लास्ट क्लास कल का एक क्लास होगा उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब बात आते हैं चलो ठीक है कि जो मेरा पॉपुलेशन है P, अब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि R पर्सन हर साल इक्वली मेरा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ऐसा कहीं बोला है क्या, हो सकता है इस बार क्या हो 10% इंक्रीमेंट हुआ लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हो सकता है 2% कम हो गया, डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 15% इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि कभी इंक्रीमेंट हो रहा है, कभी डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जब आपको बोल देगा कि थ्री ईयर में R1% इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, फिर R2% इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, फिर R3% इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, तब इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू वन प्लस माइनस R1 बाय 100 टू द पावर R1 बाय 100 प्लस वन प्लस माइनस R2 by 100, 1 plus minus R3 by 100, ठीक है, ये हो गया, इतना परसेंट हो गया आपको क्या है, इतना परसेंट सिंपली आपको फॉर्मूला हो गया। तो पॉपुलेशन ऑफ द थ्री आफ्टर, ये पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है ना, ये पॉपुलेशन ऑफ द सिटी टोटल पॉपुलेशन है, तो परसेंट में नहीं आएगा, ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन आफ्टर थ्री ईयर्स। अभी प्रेजेंट अगर पी है तो तीन ईयर में, एक ईयर में क्या हुआ, 8% बढ़ गया, फिर सेकंड में हो सकता है घट गया, फिर थर्ड में क्या हो गया, फिर से घट गया, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और जिसमें बढ़ गया तो प्लस, जिसमें घट गया तो नेगेटिव, ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपली आपको यूज करना है। और इसके बाद देखो दो चार तो क्वेश्चन है, अभी अगर कराऊंगा तो लेंदी हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में यही खत्म करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग सारे याद रखना, ये फॉर्मूला आप लोग सारे खत्म कर लेना,
फिर हम लोगों का लास्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों आपको लिए आपके लिए क्या करेंगे, अच्छे अच्छे से प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को बेसिकली एग्जाम में आते हैं, एनटीमीसी बोलो, आरएल में बोलो, एसएससी में बोलो, यूपीएससी में बोलो, कोई भी आप लोग सिविल सर्विस दे रहे हो तो स्टेट में भी ऐसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमेशा, परसेंटेज का, इंटरेस्ट का, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग कल आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आज यही खत्म करते हैं और जाते जाते हमारा क्या है, मोटिवेशनल क्वोट। मोटिवेशनल क्वोट आज क्या है देख लेते हैं। लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। बहुत अच्छे बात है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम से एक ही बात बोल के आ रहे हैं कि जो लिमिट है ना, जो लिमिट है, ये लिमिट कौन डिसीजन लेता है कि आपका लिमिट को क्या होगा, ये कौन डिसाइड करते हैं, आप खुद डिसाइड करते हो। क्योंकि ऐसे कोई बाहर से आकर ये नहीं कह जाएगा कि आपका लिमिट ये है, आप उसके बाद का कोई काम कर नहीं पाओगे। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, आपको दिमाग को ये जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि मेरा लिमिट तो यही है, मैं तो इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, और आपको दिमाग क्या है, एक कंप्यूटर जैसा सिस्टम है, आपका दिमाग तुरंत क्या करेगा, ये डाटा को सेव करेगा, और ये डाटा जब एक बार सेव हो जाएगा तब हमेशा के लिए जिंदगी के लिए पूरे ट्राई कर लो, क्यों आपको डाटा इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, क्यों आप एक बार दिमाग को बोल दिया मेरा लिमिट इससे ज्यादा नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन खुद दिए हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट नहीं देना है, आपको दिमाग को एक बार हमेशा के लिए एक डाटा क्लियर कर देना है, उसको एक डाटा दे देना है, क्या देना है कि मेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे दुनिया में के लिए जो कुछ भी है, जो कुछ काम है, जो भी डिफिकल्ट है, जो भी इजी है, वो सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल है, मैं सारे काम कर सकता हूँ। मेरे को अगर कोई भी आकर चैलेंज कर देते हैं ये काम करके दिखाओ, अगर वो ऑनेस्ट काम है, अगर वो अच्छे काम है, तो इनके लिए चाहे जितना ही मेहनत करना है ना क्यों, जितना ही हार्डवर्क करना है ना क्यों, मैं करके दिखाऊंगा। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको माइंड को दे देना है। जब आपका माइंड ये डाटा एक बार सेव कर लेगा तो चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए वो सारे काम क्या होगा, आसान होगा। क्योंकि आप आपके माइंड को क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन ऐसे ही कुछ दिए हो जिसके लिए आपका माइंड हमेशा रेडी है, तैयार है, किसी भी काम को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी काम के लिए सक्सेस मिलने के लिए, कोई भी काम, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी लिमिट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, समझ गया। तो चलो, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो बात अगर अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आप लोगों को फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, जहां भी आपको मौका मिल रहा है, आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, और हम लोगों का चैनल में अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर हमारा मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।